हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 21st of September 2023। तो आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छे से मिल रहा है हमें और आप हमारे इनिशिएटिव को पसंद भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, उससे हम इस इनिशिएटिव को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज लेजिस्लेटिंग चेंज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डिले। तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है लोकसभा में उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो लगभग 30 साल के पीरियड के बाद जो है, जब ये सबसे पहली बार जो पार्लियामेंट में टेबल किया गया था उसके बाद जो है फाइनली जो है वो जो बिल है वो पास हुआ है, ठीक है ना। और अभी अगर प्रेजेंट देखें तो पार्लियामेंट में जो है 15% जो है स्ट्रेंथ है वुमेन की लोकसभा में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको जरूर ये एड्रेस करेगा और बिल जो है ये 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये याद रखेंगे प्री के लिए। और इसने 1/3 सीट्स जो है यानी कि 33.3% जो है वो रिजर्वेशन वो वुमेन्स को दिया है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और लोकसभा में भी, ठीक है जी। दूसरा इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 15 साल का सनसेट क्लोज है, मतलब 15 साल के लिए कोटा दिया गया और वो जो है फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है। फिर जो याद करनी है वो ये है कि फर्स्ट बिल है ये टू बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू संसद भवन हैज बीन पास इन द लोकसभा, और ये पहला बिल है जो कि नए संसद भवन में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और वो भी जो है वो पास हो गया है, ठीक है ना। लेकिन वही है कि जो एक क्लोज रखा गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए जो है वो डिलेड रहेगा, क्योंकि उसको दो फैक्टर्स से जो है वो टाई किया, कंडीशन लगाई है। पहला तो ये कि डिलिमिटेशन और दूसरा है सेंसस, क्योंकि उसमें क्या कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन सेट होगा उसके बाद जो भी इलेक्शन होंगे उसमें जो है ये रिजर्वेशन जो है इफेक्ट में आएगा, और 2026 का डिलिमिटेशन ऑलरेडी जो है वो सेंसस से बाउंड है, क्योंकि अभी सेंसस भी नहीं हुआ तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा तब ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में पूरा आएगा। तो मतलब अभी तुरंत प्रभाव से इफेक्ट में नहीं आया है, ठीक है ना। और फिर ऑथर ने यहाँ पे ये जरूर एक कंसर्न जताई है कि फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग 1/3 of seats रिजर्व फॉर वुमेन हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट। ऑथर वही कह रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास कितनी टेरिटरीज हैं, कितनी सीट्स हैं, अगर आप अभी से भी 33% रिजर्वेशन दे देंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो मतलब ये डिले किया गया है उसका कोई लॉजिक ऑथर के अकॉर्डिंग वो कहने की कोई लॉजिकल नहीं था, ठीक है ना। तो एक्सेस जो है वो रिजर्वेशन की वो 2024 वाले जनरल इलेक्शन में मतलब नहीं मिलने वाली, ये आपको प्री के लिए याद रखना है, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि 2024 वाले इलेक्शन में भी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि जो SC और ST हैं उनको भी जो है वो 1/3 सीट जो है वो अलोकेट की गई हैं, ठीक है ना। रिजर्व सीट्स जो हैं उनमें भी मतलब रिजर्वेशन है, लेकिन OBC की डिमांड कर रही थी कि OBC में भी जो है वो रिजर्व सीट दी जानी चाहिए, लेकिन उस पर जो है वो कोई नहीं बनी है, ठीक है ना। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि इसको डिले करने के लिए तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए कि OBC को नहीं दिया तो आप इसको डिले कर दो। इन द मीन टाइम क्या करना चाहिए, प्रपोजल शुड बी फाइन ट्यून्ड टू एंश्योर दैट व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट इट इज़ नॉट मियर टोकनिज्म फॉर वुमेन्स पॉलिटिकल बिजनेस। तो ऑथर ने कहा कि अभी आपके पास जो टाइम है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रहा है, तो इन द मीन टाइम आप ये करो कि आप उन चीज़ों पर काम करें कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वो केवल एक टोकनिज्म की तरह ना रह जाए, उससे वाकई में कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो मिले। और यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए जो हमारे थर्ड टीयर के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या फिर हमारे जो MCDs हैं, ठीक है ना, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो वहाँ पे हमें जो है उनसे सीखना चाहिए। लेसन्स मस्ट बी इम्बाइव्ड ऑन हाउ वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल्स हैव ब्रोकन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैरियर्स फ्रॉम पैट्रियार्कल माइंडसेट्स एट होम टू नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन देयर ऑफिशियल ड्यूटी एंड मेड अ डिफरेंस। वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वुमेन्स जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट से बाहर आई हैं, कैसे उन्होंने बैरियर्स को तोड़ा है और किस तरीके से उन्होंने एक डिफरेंस जो है वो दिखाया है, क्योंकि PRI और जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो एक सक्सेस के रूप में देखे जाते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो चेंज किया है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने भी कहा कि वुमेन्स को और बहुत सारे उन पे भी जो है चैलेंज रहते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे उनको हेल्थ की अगर एक्सेस की बात करें तो 1-1 है, न्यूट्रिशन और एजुकेशन की बात करें तो 1-1 है,
सेफ प्लेसेस का लैक है, दिया लैक ऑफ सेफ प्लेसेस, और वुमेन्स आर फॉलिंग आउट ऑफ वर्क फोर्स। अगर हम देखें G20 कंट्रीज में देखें तो इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लोएस्ट है, केवल 24% है। तो मतलब कहीं ना कहीं लेबर फोर्स से वो बाहर हैं, ठीक है ना। तो उसने यही कहा कि इंडिया विच गेव वुमेन वोटिंग राइट्स एट द वेरी आउटसेट, आपने इंडिपेंडेंस होते ही आपने उनको वोटिंग राइट्स तो दे दिए, एंड इट शुड नॉट फॉल्टर व्हेन इट कम्स टू एंश्योरिंग बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन। तो अगर बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो उस पर भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और ये एक मतलब उसने भी सराहा है कि एक कदम अच्छा है, बस उसने एक कंसर्न ये ज्यादा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना डिले क्यों किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कीप काम, एनॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नो एक्सक्यूज टू जोर टू इज रिस्क की मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रेटेजी का बात किया है जो SRM है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, उसकी तरफ जो जाने की बात है कि उसको अगर हम यूज़ करें तो जो टेम्परेचर है उसको कम किया जा सकता है। तो उसी के रिगार्ड में ऑथर ने बोला है कि व्हाइल साइंटिस्ट आर येट टू लिंक दिस एनोमली, जो अगस्त में इस बार ड्राइस्ट अगस्त देखने को मिला हो तो उस एनोमली को लिंक करना अभी बाकी है, विद द कैओटिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इट अंडरस्कोर्स द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डिस्टर्प्टेड वेदर द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हम जो कंसिक्वेंसेज होने वाले इकोनॉमी के लिए, और जो क्लाइमेट मिटिगेशन का इम्पोर्टेंस है वो, और जो कॉन्स्टेंट थ्रेट रहती है वेदर के डिस्टर्ब होने से, वो सारे कहीं ना कहीं और ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। तो वन ऑफ द मोर डेस्परेट एंड डेंजरस आइडियाज टू हैव इमर्ज फ्रॉम दिस इम्पिटस इज सोलर रेडिएशन मैनेजर, और इस सिचुएशन में एक जो आइडिया निकल के आया वो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का आया। वो क्या होता है, इट इज़ टू ब्लॉक सम ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू कूल द अर्थ सरफेस। सूरज से आने वाली कुछ रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रोक दिया जाता है जिससे अर्थ का सरफेस जो है वो कूल हो जाता है। लेकिन SRM के डेंजर्स हैं, दीज इमर्ज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इंटरफियर्स विद द नेचुरल मैकेनिज्म्स विद अनअवॉइडेबल प्लैनेट वाइड इफेक्ट। जो अनअवॉइडेबल, जो आपका जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको एक तरह से आप इंटरफेयर कर रहे हैं, और इससे जो प्लैनेट वाइड इफेक्ट्स हैं अनअवॉइडेबल, ठीक है ना, वो इसमें जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्ट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि SRM एक्सपेरिमेंट किया गया था यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जहाँ पे उस पर ज़्यादा रेंज के लिए जो है ये किया गया था, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे लोकस्ट स्वयं जो है वो, उन्होंने क्रॉप्स पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी, वहाँ से वो लोकस्ट फ्लाई करके इधर आ गए। तो मतलब आपने उसका पॉजिटिव आस्पेक्ट जरूर देख लिया, नेगेटिव आस्पेक्ट उसका बहुत ज़्यादा भयंकर हुआ, फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो है वो अंडरमाइन हो गई उससे, उसकी वजह से, ठीक है ना। तो देयर इज करेंटली नो मैकेनिज्म दैट होल्ड्स अ जियो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड इट्स बॉर्डर नॉट थ्रू विच अफेक्टेड कंट्रीज कैन अपील फॉर रेस्टिट्यूशन। और जाहिर सी बात है इन चीज़ों के लिए अभी कोई ऐसी जियो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल बन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनी है कि जो बियॉन्ड बॉर्डर जो कॉन्सिक्वेंस है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराई जा सके, या जहाँ पे गवर्नमेंट जो अफेक्ट हुई है या जो पार्ट रीजन अफेक्ट हुआ है, कंट्री अफेक्ट हुआ है, वो जाके अपील कर सके कि उसको रेस्टिट्यूट किया जा सके, ठीक है ना। तो देयर इज ऑल्सो बीन लिटल रिसर्च ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ल्ड्स मीरियड वेदर सिस्टम अफेक्ट्स ईच अदर एंड देयर रिलेटिव सेंसिटिविटी टू इंटरवेंशन सच एज SRM। और जो वेदर सिस्टम है ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड का, उसको भी अभी अंडरस्टैंड नहीं किया, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि एक अगर अफेक्ट होता है तो दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह के जो हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज वाई द रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन, एक क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन उसने लास्ट वीक जो रिपोर्ट रिलीज की थी उसमें इट कॉल्स फॉर मोर रिसर्च टू क्लोज क्रूशियल साइंटिफिक एंड गवर्नेंस गैप्स बिफोर एनी डेलिब्रेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SRM लाइक टेक्नोलॉजी। तो SRM जैसी टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है, पहले आपको जो साइंटिफिक और गवर्नेंस गैप्स हैं उनको क्रूशियली आपको जानने की जरूरत है, ठीक है ना, और तब आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी को जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप तुरंत चले जाएं, ठीक है ना। बट व्हाइल द रिपोर्ट इज केयरफुल टू एक्नॉलेज दैट द साइंटिफिक कम्युनिटी डज नॉट अंडरस्टैंड SRM एनफ टू अटेम्प्ट ए डिप्लॉयमेंट इवन एक्सपेरिमेंटल फैशन, इट आल्सो आर्ग्यूज फॉर रिटेनिंग SRM द मिक्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज। हालांकि ये जरूर कहा उसने कि साइंटिफिक कम्युनिटी अभी पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंड करती, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उसको एक वेपन या एक टूल के यूज में जो है वो रखने को बोला है कि रिटेन किया जा सकता है, और इसके ऊपर आगे देखा जा सकता है कि जो क्लाइमेट मिटिगेशन सॉल्यूशन के रूप में इसको रखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑथर वही कह रहा है कि इसको एक सजेशन जो दे रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेशहोल्ड एनश्राइन किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे नियर फ्यूचर में, तो इस SRM मैकेनिज्म को यूज किया जा सकता है। तो ऑथर ने वही कहा कि दिस इज अ प्रीकैरियस सजेशन बिकॉज इवन लेस कॉन्ट्रोवर्शियल बट नॉनेस प्रॉब्लमेटिक, बेशक ये कंट्रोवर्शियल कम है लेकिन प्रॉब्लमेटिक है। मिटिगेशन टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर टेक रिसोर्सेज
focus and political will away from the most effective strategy, cutting emissions and increase emission limits. ठीक है ना, SRM will only amplify this dilution. तो ये जो dilute हुआ है बाकी जो carbon capture जैसी technology है उन सब से, तो उन्हीं की तरह ये उनको और बढ़ाने का काम कर रहा है. ठीक है ना, the enormity of climate change requires quick and decisive action. बिल्कुल, जो जिस हिसाब से जिस एनवायरमेंटल से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो उसमें यह है कि हमें क्विक और डिसाइसिव एक्शन तो लेना पड़ेगा. लेकिन द बेटर सॉल्यूशंस हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड एज वेल एज दे कैन बी. मतलब अभी जब तक आपने बेटर सॉल्यूशन जो अवेलेबल हैं और जो किए जा सकते वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, एंड व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम टू डू सो इट इज दिस इंजीनियस टू कंटेंट दैट मोर हाई रिस्क सॉल्यूशंस शुड रिमेन ऑन द टेबल. तो ऐसे सिचुएशन में जो ज्यादा हाई रिस्क सॉल्यूशंस हैं उनको आप इंप्लीमेंट करें या उनको आप टेबल पर रखें, उनको आप अपने तर्कश में रखें एज ए टूल, तो ये कोई अभी जो है मतलब एक बेटर डिसीजन या बेटर सोच नहीं है. ठीक है ना, तो दिस इज इट. अगला आर्टिकल है वियतनाम की पीस ऑफ अमेरिका इंडो पैसिफिक पजल. तो वियतनाम और यूएस के जो रिलेशंस में जो एकदम से चेंज देखने को मिला उसके रिगार्डिंग उतना बोलता है कि जो अगर देखें तो यूएस वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप में जो शिफ्ट हो गया है, जो पहले यूएस ने 2013 में वियतनाम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो की थी. ठीक है ना, तो वो अब जो है यूएस वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप में वो है बदल गया है. तो मतलब कहीं ना कहीं वियतनाम भी यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यूएस भी वियतनाम की तरफ शिफ्ट होता है, उनके जो रिलेशन है उनमें एक एलिवेशन देखने को मिल रहा है. ठीक है ना, उसके कुछ रीजंस भी हैं. पहले तो द जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्विंग चाइनाज ग्रोइंग बेलिजरेंस इन द पैसिफिक थिएटर फेल्ट मोस्ट पल्पेबली इन द वाटर सराउंडिंग वियतनाम एंड द ब्रॉडर साउदर्न चाइना सी has proven to a first order deterrent for Vietnam's great power engagement. तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ी पावरों के साथ क्यों एंगेज करना चाह रहा है, क्योंकि जो अगर देखें चाइना का जो belligerence है, growing belligerence और assertiveness है उसकी वजह से, फिर अगर historical legacy of Vietnam's contested relations with the US during the Vietnam War, दूसरी तरफ ये है कि अगर हम history देखें तो Vietnam War में अगर हम देखते हैं तो US और Vietnam के काफ़ी relations काफ़ी एकदम anti थे, an exile relationship थी with the communist state China and the Soviet Union, culminating the Treaty of Friendship and Cooperation with Soviet Union 1978 had together imparted a direction diametrically opposite to US interest. हुई ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल diametrically opposite जा रही है US interest में, लेकिन फिर भी जो दोनों countries हैं वो एक दूसरे के साथ आ रही हैं और पास आ रही cooperation में आ रही हैं. Reason why hitherto Vietnam has entered into comprehensive strategic partnership with only four nations, और यही कारण रहे हैं कि अभी तक सिर्फ वियतनाम केवल चार countries के साथ ही जो है comprehensive strategic partnership की है उसने. उनमें से पहला चाइना है, दूसरा रशिया है, तीसरा इंडिया और चौथा साउथ कोरिया है. तो अब ये यूएस जो एक तरह से पांचवा होगा. 50वीं एनिवर्सरी थी ये पेरिस पीस अकॉर्ड्स की जो कि 1973 में साइन हुई थी टू एंड द वियतनाम वार, जिससे वियतनाम वार जो है वो आपकी एंड हुई. तो ये फ्री के लिए फैक्ट है आपका, वियतनाम वार 1973 में एंड हुई थी बाय साइनिंग ऑफ पेरिस पीस अकॉर्ड. तो उसकी 50वीं एनिवर्सरी जरूर है. अगर मिस्टर जॉय बिडेंस का इंडो पैसिफिक पॉलिसी देखें तो इट नाउ काउंट्स वियतनाम एज अमंग द यूएस लीडिंग रीजनल पार्टनर्स इन द रीजन. तो उसको वियतनाम को काफी इंपॉर्टेंट उसके लिए वो देखा जाता है यूएस के नजरिए से. वियतनाम इज द 10th लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएस इन. तो अगर 2000 वियतनाम देखें तो 10th लार्जेस्ट गुड्स एंड ट्रेडिंग पार्टनर भी है यूएस का. तो मतलब ट्रेड में भी इकोनॉमिक वाले पॉइंट में भी जो है रिलेशन अच्छे हुए हैं. मई 2000 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी जो है वो भी लॉन्च किया था यूएस के द्वारा, और वियतनाम इसका जो है फाउंडिंग मेंबर था अलोंग विद 13 अदर कंट्रीज. और ये किस लिए था, टू रिवाइव द वाशिंगटन इकोनॉमिक डायनेमिज्म इन द एशिया पैसिफिक. तो ये भी आप प्री के लिए याद रखें कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी है वो यूएस ने लॉन्च किया था, वियतनाम फाउंडिंग मेंबर था, उसके अलावा 13 कंट्रीज जो और थी, और इसका मेन जो एम था वो था टू रिवाइव वाशिंगटन इकोनॉमिक डायनेमिज्म इन द एशिया पैसिफिक रीजन. ठीक है ना, यूएस वियतनाम रिलेशनशिप हुई है कि यूएस वियतनाम रिलेशनशिप काफी रैपिडली जो है वो एक्सपेंड हो रही है. ठीक है ना, वो तो उन्होंने बता दिया. एम्फेसिस जो है बेसिकली वो पॉलिटिकल ट्रस्ट को बढ़ाने में है, साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ और डिजिटल इनोवेशन को स्ट्रेंथ करने में है, डिजिटल इनोवेशन में कोऑपरेशन के लिए है, हाई क्वालिटी वर्कफोर्स की ट्रेनिंग के फेज उसमें रही फील्ड में, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप इन बैकग्राउंड ऑफ चाइना इंक्रीजिंग असर्टिवनेस. तो कहीं ना कहीं डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, चाइना के असर्टिवनेस को एड्रेस करने के लिए भी ये पार्टनरशिप जो है मेनली वियतनाम के पर्सपेक्टिव से देखी जा रही है. एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिस्टर बिडेंस विजिट वॉज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फ्रेंड शोरिंग सप्लाई चेन्स इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ वियतनाम इवन एज इट सीक्स टू बूस्ट हनोई चिप मैन्युफैक्चरिंग. कहीं ना कहीं जो सप्लाई फ्रेंड शोरिंग जो सप्लाई चेन्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसके लिए जो है ये मतलब विजिट मेनली देखी जा रही थी, जो भी
यूएस के प्रेसिडेंट की विजिट थी वियतनाम में उसको, तो सप्लाई चेन आर्च में जो है विच एक्सटेंड फ्रॉम वियतनाम टू यूरोप वाया वेस्ट एशिया एंड एंकर्ड बाय इंडिया विद द न्यूली लॉन्च्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ड्यूरिंग द रिसेंट G20 मीट। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंडिया कुड सिंबलाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पार्टनरशिप इन एप्ट वे, तो इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है सप्लाई चेन वाले फील्ड में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 3 ईयर्स ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, तो 3 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है ना, इस हफ्ते, जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है इसको वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के लिए, जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था वो हुआ था इसराइल और यूएई के बीच में और बहरीन के बीच में, और ये किसने साइन करा था, ये साइन करा था यूएस गवर्नमेंट की जो मदद से जो है ये साइन हो पाया था। 3 महीने बाद जो है दिसंबर 2020 में मोरक्को ने भी जो है इस प्रोसेस को ज्वाइन किया था और इट साइंड ए नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट विद द इसराइल। तो अब्राहम अकॉर्ड के बाद जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग उसने यहाँ पे बात की है। द अग्रीमेंट्स हैव अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड पीस दैट नॉट ओनली कनेक्ट्स गवर्नमेंट्स बट आल्सो ब्रिंग्स पीपल टुगेदर डिस्पाइट द डिफरेंसेज इन देयर लैंग्वेज रिलीजियस बिलीफ्स कल्चर्स एंड मोर। इन सब के डिफरेंसेज होने के बाद भी जो एक नया एरा नॉर्मलाइजेशन और पीस का जो है वो लेके आया है ये अब्राहम अकॉर्ड। और यहाँ पे ऑथर आपको देखना पड़ेगा, नाओर गिलोन जी यहाँ के ऑथर हैं जो इसराइल के एम्बेसडर हैं इंडिया के, तो इन्होंने ज्यादातर पॉजिटिव चीजें ही बोली हैं। फिर अब्राहम अकॉर्ड हैव आल्सो ओपनड अप एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड इट्स थ्राइविंग बिजनेस कम्युनिटी, तो इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी खोली हैं उसने, विच मेंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद एक्टिव एंगेजमेंट विद नेशन। काफ़ी सारी जो हमारे प्राइवेट कॉरपोरेट हमारी कम्युनिटीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खोली, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी खोली, तो ये सभी मतलब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, द स्कोप ऑफ ट्रेड बिटवीन इसराइल एंड अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज इंक्रीज 74% बिटवीन 2021 एंड 22, तो 74% जो स्कोप जो है वो ट्रेड का वो बढ़ा इसराइल और अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। 2021 में टूरिज्म को भी काफ़ी जो है बूस्ट मिला, अगर विजिट देखें इसराइल टू यूएई वो देखो आप 172% से जो है वो बढ़ गई, तो ये भी आपको मतलब टूरिज्म में भी इंप्रूवमेंट मिला, ट्रेड में तो मिला ही मिला, ठीक है। इंडिया के लिए क्या क्या बेनिफिट, तो 4-5 बेनिफिट जो उसने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट इज द वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा इन द गल्फ नाउ हैज द कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन यूएई एंड इसराइल, तो यूएई इसराइल के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स अब हो गई हैं, एज वेल एज बिटवीन इसराइल एंड बहरीन और इसराइल बहरीन के बीच में, तो डायस्पोरा को काफी हेल्प मिली कि डायरेक्ट फ्लाइट्स उनके लिए अवेलेबल हैं। फिर इंडियन स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग इंक्रीज ईज ऑफ ट्रेवल गेनिंग इंप्रूव्ड एक्सेस टू आवर यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टूडेंट्स वो भी उनको ईज ऑफ ट्रेवल तो है ही साथ साथ एक्सेस जो है इंप्रूव्ड एक्सेस मिली है उनको यूनिवर्सिटीज के लिए भी, ठीक है ना। तीसरा उसने आगे लेके इंडिया के पर्सपेक्टिव ने बताया, उसने ये बोला है कि जो द प्रोस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट जो हुआ इसराइल यूएई और जॉर्डन के बीच, इट डिटरमाइंड दैट अ सोलर फील्ड टू सप्लाई 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू इसराइल वुड बी एस्टेब्लिश इन जॉर्डन, और उसी के साथ साथ रिटर्न में डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो इसराइल में जो है वो इट वुड डिलीवर 200 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर टू जॉर्डन, तो जॉर्डन को पानी मिलेगा वहीं जो इसराइल को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा इंडिया के लिए जो बेनिफिट है वो ये है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर एक्सपेंडेड रीजनल एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशन एंड दिस हैज रिजल्टेड इन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रीचिंग इंडिया, तो जो MNCs है वो एस्टेब्लिश हो पाएंगी, उनको रीजनल और जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है वो एस्टेब्लिश हो पाएंगी, एक्सपेंड कर पाएंगी और उनको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया तक भी उनका फ्लो होगा। कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन की बात करें तो जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था I2U2 ग्रुप वो इसी के बाद हो पाया था, अब्राहम अकॉर्ड के चलते ही वो पॉसिबल होता है। ITU2 क्या है ये आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना है, तो इसके मेंबर है इंडिया इसराइल इंडिया I2 और UAE एंड USA U2 हो गए, ठीक है ना। तो I2U2 ग्रुप जो है वो प्राइमरी फोकस विल बी ऑन जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल एरिया सच एज वाटर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन स्पेस हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, तो ये भी प्री के लिए ITU2 में मेंबर कौन कौन है, ITU2 का मेन एम क्या है या जो प्राइमरी फोकस है वो किस किस फील्ड में रहने वाला है, तो क्रिटिकल एरिया जैसे कि वाटर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन स्पेस हेल्थ और फूड सिक्योरिटी इनमें जो है मेन फोकस रहने वाला है। फिर उतना ये बताया कि यूथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ रीजन जो है यहाँ पे 65% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 30 ईयर्स है एज की, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग द यंगर जनरेशन अपॉर्चुनिटी की फैक्टर इन प्रिवेंटिंग इनस्टेबिलिटी, तो अगर आप यंगर जनरेशन को आप अपॉर्चुनिटीज देंगे तो जाहिर सी बात है रीजन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और इंस्टेबिलिटी वहाँ से घटेगी, जब यूथ के पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए तो जाहिर सी बात है इंस्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। द अब्राहम अकॉर्ड हैव शोन यूनिटीज पावर टू इंस्पायर, तो अल्टीमेटली कंक्लूज उसने ये किया कि अब्राहम अकॉर्ड ने जो है वो यूनिटी की पावर को देखा कि कैसे वो इंस्पायर कर सकती हैं एक पोटेंशियल
फ्यूचर जो है रीजन का, ठीक है ना, वो उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और कोऑपरेशन से जो है, या पीस को प्रायोरिटाइज करते हो, कोऑपरेशन को प्रायोरिटाइज करके जो है वो कैसे चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन अमंग आवर पार्टनर्स, तो इसराइल के जो जो एम्बेसडर, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन है, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जो हम काफ़ी सारे इंटरेस्ट शेयर भी करते हैं, जैसे चैंपियनिंग अ सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड 19 पेंडेमिक में इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी, एक्सपेंडिंग ट्रेड में इंडिया का रोल रहता है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज में इंडिया का रोल रहता है, एंड काउंटरिंग थ्रेट्स टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल टेररिज्म के रिगार्डिंग जब भी बात आती है इंडिया उसमें बढ़ चढ़ के आगे दिखता है। अवर नेशन शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद इंडिया एंड इट्स पीपल एंड वी रिमेन कमिटेड टू रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द अकॉर्ड्स एज पार्टनर्स इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इंडिया को ये बोला है कि इंडिया का स्पेशल प्लेस है और इंडिया स्पेशल इंपोर्टेंस रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वोमेन शेयर इन असेंबली इज लेस देन 10% इन 20 स्टेट। तो डाटा पॉइंट में आज जो वही वोमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसके रिगार्डिंग आया, शेयर ऑफ वोमेन पार्लियामेंट है नेवर एक्सीडेड 15 इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पे कुछ डाटा होता है इंपॉर्टेंट दिया है, जो वही है कि जो नया ये बिल आया है, अमेंडमेंट बिल आया है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग वोमेंस के लिए, उसमें एक कैवेट दिया हुआ है कि इंप्लीमेंट जो होगा वो केवल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही होगा, जो कि 2026 में होने वाली है, ठीक है ना, और जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसका डाटा यूज करके वो किया जाएगा, तो मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा, एटलीस्ट 181 अप्रोक्सीमेटली 33.33% ऑफ द सीट्स वोमेन मेंबर्स इन द लोअर हाउस, लोकसभा में 181 मेंबर्स जो हो जाएंगे। अभी अगर देखें तो 82 वोमेन जो है वो लोकसभा में है, जो कि लगभग 15% जो है मेंबर्स के वो है, 15% शेयर जो है वोमेन का है। तो द शेयर ऑफ वोमेन पार्लियामेंट है नेवर एक्सीड 15% मार्क्स इन ओवर 70 ईयर्स ऑफ इंडिया इलेक्टोरल हिस्ट्री। अगर इंडिया की इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें तो वो कभी भी 15% से ज़्यादा वो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जनरल इलेक्शन 2019 में, उनको अगर शेयर देखें तो वो और थोड़ा सा लोअर लेवल पे है, वो केवल 9% उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। मतलब पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इवन अब भी 15% है, लेकिन अगर शेयर देखें जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जो रेस में थे वो और भी कम था, वो केवल 9% थे। अगर वुमेन कैंडिडेट्स का शेयर देखें वो 9% से कभी ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है पार्टिसिपेशन की, जब हम बात करते हैं इलेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चार्ट्स के थ्रू ऑथर ने डाटा दिखाया कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो जो शेयर है वुमेन एमएलएज का वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा, और केवल एक स्टेट त्रिपुरा, आप याद रखेंगे त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि 15% के मार्क को टच कर पा रहा है। वुमेन मेंबर्स फॉर्म लेस देन 10% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 20 स्टेट, 20 स्टेट्स में 10% से कम जो है वो लेजिस्लेटिव सीट्स को जो है वो बना पाते हैं यूनियन टेरिटरी और 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर देखें हम तो गुजरात में केवल 8.2% है, महाराष्ट्र में 8.3% है, आंध्र प्रदेश में 8% है, केरल में 7.9% है, तमिलनाडु में 5.1% है, तेलंगाना में 5% है और कर्नाटक में 4.5% है। 2023 के इलेक्शन में अगर देखें तो नागालैंड में पहली बार जो इसको 2 वुमेन जो है एमएलए मिली, वहीं मिजोरम में अभी तक जो है पिछले 7 असेंबली में कोई भी जो है वुमेन एमएलए नहीं रही है। तो नागालैंड को पहली बार जो है 2 वुमेन एमएलए मिली 2023 के इलेक्शन में, वहीं मिजोरम में अभी तक को पिछले 7 असेंबलियों में कोई भी जो है वुमेन एमएलए नहीं रही है, ठीक है ना। पार्टी के अक्रॉस देखें, पार्टी लाइंस के अक्रॉस देखें तो जो लार्जेस्ट पार्टी अभी लोअर हाउस में बीजेपी, उसमें देखें तो जस्ट 13.5% जो सिटिंग मेंबर्स हैं वो इसके हैं। वहीं हाईएस्ट शेयर अगर देखें वुमेन एमपीज के तो वो लोकसभा में हैं, वो बीजू जनता दल से हैं 41.7%, वहीं तृणमूल कांग्रेस के हैं 40.9%। तो आपको कंफ्यूज करके स्टेटमेंट दे दें अगर कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा वुमेन एमपीज हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीजू जनता दल के शेयर जो है 41.7% ओवरऑल अगर पार्टी की सीट्स का देखें तो, ठीक है ना। सिमिलरली पार्टी वाइज अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में देखें तो तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट शेयर है वुमेन एमएलए का, वो है 15.3% और फॉलोड बाय कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ 14.7%। तो वेस्ट बंगाल में 15.3% शेयर है एमएलएज का वुमेन का वेस्ट बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस का, और वहीं पे कांग्रेस का शेयर छत्तीसगढ़ में 14.7% है। वहीं लोएस्ट की बात करें तो कांग्रेस कर्नाटक में 3%, भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना में 3.4% और द्रविड़ मुन्नेत्रा कजागम डीएमके तमिलनाडु में 4.5% है, लोएस्ट शेयर है इनका उसमें, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। शेयर ऑफ वुमेन इंडियाज पार्लियामेंट इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी अगर देखें तो लोएस्ट अमंग द वर्ल्ड में आते हैं शेयर अगर हम वुमेन्स का देखें इंडिया के पार्लियामेंट में। ब्रिक्स नेशंस में देखें नए मेंबर्स को अगर इंक्लूड कर दें तो इंडिया हैज द सेकेंड लोएस्ट शेयर है 15%, जस्ट अबव ईरान। ईरान को अगर छोड़ दें ब्रिक्स के जो 11 मेंबर अब हो गए हैं उसमें, तो ये भी आप ध्यान रखें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रिक्स के अब जो है
पांच मेंबर पहले थे और छह नए मेंबर ऐड हुए, तो 11 मेंबर टोटल हो गए। तो न्यू मेंबर्स भी आपको याद रखने हैं। तो ईरान को अगर छोड़ दें तो सेकंड लोएस्ट शेयर है 15% के साथ इंडिया का। ओवर टाइम अगर ऑथर ने देखा ग्राफ कंपेयर, तो साउथ अफ्रीका और इथियोपिया ने काफी अच्छा जो है इंप्रूवमेंट दिखाया वुमेन रिप्रेजेंटेशन को उनके नेशनल लेजिस्लेचर्स में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इथियोपिया देखिए 41.3% शेयर है, और वहीं साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो 45.4%। तो काफी अच्छा उनका यह है कि काफी अच्छा स्ट्राइड जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट इज अ रिव्यू ऑफ पाकिस्तान हायर जुडिशरी। तो पाकिस्तान की हायर जुडिशरी के रिगार्डिंग यहाँ पे उसने बोला है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में इसलिए क्योंकि जो जो इनके जो चीफ जस्टिस थे मिस्टर बांडियाल, उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो गया है, और अब जो है नए सीजीआई जो चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी डी ब्रैक्टन, अ 13th सेंचुरी मेडिवल जुरिस्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मींस दैट व्हिच इज अदरवाइज नॉट लॉफुल इज मेड लॉफुल बाय नेसेसिटी। और जो पाकिस्तान की हाईएस्ट जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है वो ज्यादातर इसी डॉक्ट्रिन पे जो है काम करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर थे उनको क्वेश्चन किया गया, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे या और इंपॉर्टेंट डिसीजन थे उनको क्वेश्चन कर देगा जस्ट ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी दैट। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है, विच इज अदरवाइज नॉट लॉफुल इज मेड लॉफुल बाय नेसेसिटी। ये कोई चीज अगर लॉफुल नहीं है तो उसको नेसेसिटी साइड करके जो है लॉफुल बना दिया जाता है। तो जो इनकम्बेंट जो मतलब जो प्रेडिसेसर जो आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर बांदियाल, उनका टेन्योर जो है वो ज्यादातर प्लेग्ड रहा था बाय सेलेक्टिव असाइनमेंट ऑफ जजेस टू बेंचेस, ज्यादातर सेलेक्टिव असाइनमेंट उनका वो रहा था। बांदियाल कोर्ट वाज पब्लिकली परसीव टू बी ओपनली पार्शियल टू आउटसाइड पीएम इमरान खान, उसको ज्यादातर इस नजरिए से देखा जाता है, वो ओपनली जो है पार्शियल रहता था जो आउटसाइड पीएम थे इमरान खान उनके प्रति। और अभी जो इन जो करंट जो उनके चीफ जस्टिस बनाए वो बनाया मिस्टर काजी फायज ईशा को, वो ही हैज टेकन ओवर एज चीफ जस्टिस, और उनका जो टेन्योर रहने वाले हो हालांकि बहुत छोटा रहने वाला, केवल एक साल का टेन्योर रहने वाला है, टिल अक्टूबर 2024 तक उनका टेन्योर रहने वाला है। ही वुड हैव टू फोकस ऑन सेलेक्टिंग वन न्यू जज टू कंप्लीट द 17 मेंबर कोर्ट एंड एड्रेस कंटेंशियस जजमेंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो उनका जो मेन फोकस रहने वाला है उनको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि जो कंटेंशियस जजमेंट्स हुए हैं उनको एड्रेस करना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के रिगार्डिंग कॉन्टेंशियस जजमेंट उनको एड्रेस करना रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी यही सब कुछ बताया किस तरीके से 10 ईयर्स रहा है जो बाकी, और जो नेसेसिटी के डॉक्ट्रिन को उसको किस तरीके से चेंज किया है, उसके काफी सारे एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है ना। जो रैन रहा है सीजे बांडियाल का वो तो बता ही दिया कैसे रहा है, और आइसोलेट किया उन्होंने 2 सीनियर मोस्ट जज को, जस्टिस काज फेज ईसा को और तारिक मसूद फ्रॉम केस वर्क, वाइल जस्टिस इजाजुल एहसान महबूब मुनीब अख्तर वर ओवरटली फेवर्ड एंड असिस्टेड हिम इन पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस। जो पॉलिटिकल सेंसिटिव केस है उनमें काफी बायसनेस या पार्शियल वो देखने को मिला। दूसरा एलिगेशन लगे ऑन कॉम्पिटिटिव बेंच फिक्सिंग के, करप्शन अमंग सुप्रीम कोर्ट जजेज, इमर्ज इन ऑडियो लीक्स, इस तरीके के इशूज भी हुए। और वहन ए बेंच लेड बाई काजी फैजा ईशा रूल्ड इन मार्च अगेंस्ट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट सुओ मोटो प्रोसीडिंग अंडर द आर्टिकल 148। सी जे बांडियाल ओवर रूल्ड दिस जजमेंट। तो जब उन्होंने जो काजी फैज ऐसा जो जज थे उन्होंने ये रूलिंग दी मार्च में, तो उसको भी उन्होंने ओवर रूल कर दिया, तो वो पूरा टेन्योर मतलब इसी चीज में रहा है। इन सम टोटल ऑथर ने कहा है, दो इंटरस्पर्स विद ब्रीफ बाउट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान्स हायर जुडिशरी हैज फॉलन इन लाइन व्हेनेवर थ्रेटन्ड बाय अनफोर्सीन आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बाय द ओमनीपोटेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जब जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके एक तरह से थ्रेटन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हायर जुडिशरी है वो उसके लाइन में ही गिरा है, उसके फेवर में ही रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टसल बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो ये इशू था, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ओनर जो 123 प्रॉपर्टी विच इंक्लूड मोस्ट दरगाह एंड ग्रेवयार्ड, उनका इशू क्या है। वक्फ बोर्ड जो अपसेट क्यों है जो सर्वे किया था मोनूमेंट्स का उससे, और व्हाट डिड द टू मेंबर कमेटी सबमिट इन रिपोर्ट ऑन द इशू, इशू पे क्या कहता है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने जो है वो उसने 123 प्रॉपर्टी जो है जो बिलोंग करती दिल्ली वक्फ बोर्ड को, उनको टेकन ओवर कर लिया था, और इसके लिए क्या किया गया था, टू मेंबर कमेटी जो है विच वॉज हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड एसपी गर्ग, उसने रिपोर्ट सबमिट की थी कि कोई रिप्रेजेंटेशन जो है या ऑब्जेक्शन जो है वो रिसीव नहीं हुआ था उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड से, ठीक है ना। लेकिन वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना यह है कि इट क्लेम्ड द रिपोर्ट हैड नॉट बीन शेयर्ड विद द वक्फ बोर्ड एंड दैट देयर वाज नो डायरेक्शन बाय द हाई कोर्ट टू कंसीडर टू मेंबर कमेटी इन इट्स ऑर्डर बैक इन 2014। कि ना तो हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आई कि भाई वो एक कमेटी जो है वो कर रही है कंस्टिट्यूट कर रही है, ना ही जो है रिपोर्ट शेयर की गई थी वक्फ बोर्ड के साथ, ठीक है ना। और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रहा है कि आप इशू को जो है वो रिड्रेस कीजिए, ठीक है ना।
तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टैंड वही है कि दिल्ली हाई कोर्ट हैव अलाउड द सर्वे टू कंटिन्यू। दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टैंड है कि सर्वे को रोक दीजिए, ठीक है ना, इन जो डिलिस्टिंग की गई है प्रॉपर्टीज की 123 प्रॉपर्टी, उसको आप जो इनको मतलब गवर्नमेंट जो वो सेंट्रल जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसको वापस से डिलीस्ट कीजिए और जो है इस सर्वे को रोके। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे तो अलाउड कर दिया है। इट डिड डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू एंश्योर मिनिमल डिस्टर्बेंस इन डे टू डे अफेयर्स एट द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग नॉन डिस्टर्बेंस और प्रेयर टाइमिंग्स। वही है कि अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिए कि मिनिमल डिस्टर्बेंस जो है आप देखें कि डे टू डे एक्टिविटी जो है अफेयर जो है वो ज्यादा अफेक्ट ना हो। ठीक, फिर उसके बाद सेंटर का क्या कहना है, सेंटर ने क्या फाइल किया है अपना जवाब। तो सेंटर अपोज द वक्फ बोर्ड प्ली अगेंस्ट इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर क्वेश्चन एंड क्लेम दैट दिल्ली वक्फ बोर्ड इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ओनर ऑफ एनी ऑफ द रेंटल प्रॉपर्टी एंड एट द बेस्ट कुड बी ओनली बी अ कस्टोडियन दैट टू ओनली इट्स अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो दिल्ली जो सेंटर है उसने कहा कि ये पहली बात तो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग ही नहीं, ओनर नहीं हो सकता। वो कहते हैं अगर हुआ भी तो वो कस्टोडियन होते तो वो भी तब जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वो होंगी। तो अगर वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। मेयरली बिकॉज सर्टेन प्रॉपर्टी आर गिवन ऑन लीज टू वेरियस पर्सन डज नॉट इप्सो फैक्टो मीन दैट द सैड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड इनटू वक्फ प्रॉपर्टीज। और कुछ लोगों को लीज पे प्रॉपर्टी दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इप्सो फैक्टो अपने आप में ही जो है वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी थी या नहीं थी। और वक्फ प्रॉपर्टी है तो भी वक्फ बोर्ड जो है उसका ओनर नहीं हो जाता, वो उसका जस्ट कस्टडियन रहेगा। ये जो है ये अब ये काउंसिल ने जो जो सेंटर का काउंसिल है उन्होंने ये फाइल किया है अपना जवाब, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो थैंक यू।